अब हम शुरू कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछला कोई भी टेंस अगर आपका वीक रह गया है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में ये क्लास आपके पास ऐप पे रहेगी, आप वहां से निश्चित तौर पे देख सकते हो। ये देखो, सबसे पहले तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से कुछ भी दिखाई देगा तो हम मान लेंगे टेंस कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसे? उसने कहा अमन फोन पर बात कर रहा था, रहा था। उसके पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे। क्या तुम पेड़ पर नहीं चढ़ रहे थे? समझ गए हम बात को? तो लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, रहा था में से कुछ भी हमें मिलेगा तो हम मान लेंगे कि टेंस कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात ये आती है कि मैम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? आ जाओ तो पैनल पे सिखाती हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और पास्ट का मतलब बीता हुआ कल, यानी कोई ऐसा काम जो बीते हुए पल में चल रहा था, कोई ऐसा काम जो बीते हुए पल में कॉन्टिन्यूअस था। जैसे मैंने कल आपको ट्रांसलेशन की क्लास पढ़ाई थी, सिंपल पास्ट, कल मैं आपको पढ़ा रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब कोई काम पास्ट में चल रहा होता है, शुरू हो गया, खत्म नहीं हुआ है, बीच में कहीं पे है, तो उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। और वो काम अगर पास्ट में हो, जैसे जब मैं 5 साल की थी तब मैं आइसक्रीम खा रही थी, वैसे तो टेंस बदल रहा था पर जो समझा रही हूं उसमें फिट करना है ना, तो कल मैं खाना खा रही थी, कल रात को मैं सो रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ब्लड डोनेट कर रही थी। समझ गए मेरी बात? तो जहां पे भी हम बात करेंगे पास्ट में काम चलने की अवस्था की तो टेंस होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और जैसे कि हर तरह के टेंस में 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं तो इसमें भी 4 हैं। सबसे पहला क्या पढ़ाती हूं आपको? अफर्मेटिव। एम ज्यादा बड़ा हो गया और मार्कर को भी थोड़ा सा स्लिम कर लें। सबसे पहला टेंस कौन सा? अफर्मेटिव। फिर क्या सिखाती हूं? नेगेटिव। फिर क्या सिखाती हूं? इंटरोगेटिव। फिर क्या सिखाती हूं? इंटरोगेटिव नेगेटिव। फिर क्या सीखते हो? इंटरोगेटिव और नेगेटिव। अब आओ जरा बोर्ड पे। अगर टेंस अफर्मेटिव है आपका, पास्ट में कॉन्टिन्यूअस है, यानी रहा था, रहे थे, रही थी, तो मिलेगा। अफर्मेटिव का मतलब क्या है? किसी बात को कहा जा रहा होगा। नेगेटिव का मतलब क्या है? मना कर रहा होगा। ऐसा मैं नहीं कर रही थी, नेगेटिव। मैं ऐसा कर रही थी, अफर्मेटिव। क्या मैं ऐसा कर रही थी? इंटरोगेटिव। ऐसा नहीं कर रही थी, इंटरोगेटिव नेगेटिव। समझ गए हम आप बात को? तो जहां हिंदी में हमें इस तरीके से दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि अफर्मेटिव या सिंपल भी बोल देते हैं इसको, नेगेटिव, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इन चारों का ट्रांसलेट करने का पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगी, यानी इंग्लिश का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी। हिंदी में तो हम समझ गए, रहा था, रहे थे, रही थी ही दिखेगा। अब हमें ट्रांसलेट करना है, हमें उसकी इंग्लिश बनानी है, तो कैसे बनेगी? सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब्स वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। बेटा जब भी किसी काम को चलता हुआ दिखाते हैं ना, निश्चित तौर पे आईएनजी वाली वर्ब तो आती ही आती है। अब क्योंकि यहां पे हम पास्ट में दिखाना चाह रहे हैं इसलिए वर्ब्स या वर्ब में से कोई आएगा। वर्ब्स कहां पे आएगा मैम? जहां पे काम को करने वाला सिंगुलर होगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। वर्ब कहां आएगा मैम? जहां पे सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो सबसे पहली बात हमने क्या सीखी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा। 4 टाइप के स्ट्रक्चर आ सकते हैं और चारों में जो कॉमन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएंगे वो वाज वर्ब, और मेन वर्ब के तौर पे फर्स्ट फॉर्म पे क्या लगेगी? आईएनजी। जहां भी टेंस कॉन्टिन्यूअस होता है आईएनजी लगता ही है, बस पास्ट होने की वजह से यहां पे वाज और वर्ब भी है। वाज कहां लगाएंगे? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, आई के साथ, नेहा के साथ, पेन के साथ, माइक के साथ,
जो जो भी सिंगुलर है वॉज लगेगा, तो फिर वर कहां लगेगा? वी के साथ, वी वर हैप्पी, वी के साथ लगेगा, क्योंकि वी क्या है भाई? प्लूरल है। दे क्या है? प्लूरल है। अब ये प्लूरल क्या होता है? एक से ज्यादा को जो दिखाए। पेंस वर, पेन वॉज, आई वॉज, यू वर, ही वॉज, दे वर, समझ रहे हो? नेहा वॉज, नेहा एंड नवीन वर, क्लियर हो गया? तो वॉज कहां लगाएंगे? जहां सब्जेक्ट एक है। वर कहां लगाएंगे? जहां सब्जेक्ट एक से ज्यादा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब वॉज वर आईएनजी कॉमन है, तो अफर्मेटिव में क्या होगा? सबसे पहले लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वॉज लिख देना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लिख देना। इसके बिल्कुल साथ आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी। जो भी मेन एक्शन हो, जो भी मेन वर्ब हो, पिछली क्लासेस में आपको सिखा चुकी हूं मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस, तो जो भी मेन वर्ब होगी उस पे क्या लगा दोगे? आईएनजी लगा दोगे। प्लस क्या लगा देंगे इसके बाद? ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और लास्ट में हो जाएंगे अदर वर्ड्स। क्या हो जाएंगे लास्ट में? अदर वर्ड्स और डब्ल्यू, शॉर्टकट बनाया था ना पिछली क्लासेस में। एग्जाम्पल से समझे एक बार कैसे होगा। मैम मैंने कहा मैं खा रही थी, क्या एग्जाम्पल लिखा मैंने अफर्मेटिव का? मैं खा रही थी। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे आई, अब रही थी से पता लग गया रही थी, वॉज वर आईएनजी लगाना है, तो आई के लिए क्या लगेगा? वॉज, खाने के लिए ईटिंग। तो क्या तैयार हुआ? मैं खा रही थी, आई वॉज ईटिंग। अगर मैं यहीं पे लिख देती मैं खाना खा रही थी, तो आई वॉज ईटिंग फूड। मैं कमरे में बैठकर खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड इन द रूम। समझ गए बच्चों? इस तरीके से ये अरेंज होता चला जाएगा। अगर हमें उसने नेगेटिव स्ट्रक्चर पूछ लिया है, थोड़ा सा मैं इरेज करूंगी बेटा इसको, नहीं तो जो स्ट्रक्चर है वो टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखेगा। यहां सी पे अगर लिखे तो सही दिखेगा। अब हम क्या लिख रहे हैं? नेगेटिव लिख रहे हैं। देखो नेगेटिव का सीधा सा मतलब क्या है? वो नॉट जोड़ देगा कि उसी सेम बात के अंदर वो ना कर रहा है। कैसे? नॉट कैसे जोड़ देगा? मैं खा नहीं रही थी, मैं खा नहीं रही थी। तो रही थी से पता लग गया पास्ट कॉन्टिन्यूस है, नहीं से पता लग गया नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम अपनी हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ नोट जोड़ेंगे, और नोट के बिल्कुल साथ फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, आईएनजी के बिल्कुल साथ ऑब्जेक्ट, पीछे अदर वर्ड्स, और शुरुआत में हमारा सब्जेक्ट का सिंहासन तो निश्चित ही है, उसे कौन बदल सकता है। तो क्या स्ट्रक्चर तैयार हो गया? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और बचे हुए सारे वर्ड्स। कैसे मैम? मैं यानी आए, आए के लिए वॉज हेल्पिंग वर्ब, फिर लगा दिया नॉट, आई वॉज नॉट, आईएनजी में क्या जुड़ा? ईटिंग, आई वॉज नॉट ईटिंग, बस इतना ही हो गया। मैंने खाना यहां लिख नहीं रखा, नहीं तो पीछे फूड भी जुड़ जाता, यानी ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इतने पे ही खत्म हो गया, आई वॉज नॉट ईटिंग। तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस के दो स्ट्रक्चर सीख लिए, एक तो अफर्मेटिव का और एक नेगेटिव का। तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा होता है बताओ? जहां से भी क्लास अटेंड कर रहे हो मुंह से बोल के बताओ। हाँ कुछ तो आवाज आई, इंटेरोगेटिव जैसी, आ जाओ तो।